हेलो गाइस, परमानंद राठी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैप्पी मूवी के क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन, जो कि है अल्लू अर्जुन और जेनेलिया डिसूज़ा की ब्लॉकबस्टर मूवी। और इसके हमने सॉन्ग तो किए ही हुए हैं और सॉन्ग तो हमने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, पर रिसेंटली हमने जो सॉन्ग किया ना उसके बाद आप लोगों को आया कि भाई इसका क्लाइमैक्स सीन देखो। इसका जो क्लाइमैक्स सीन है वो सुपर डुपर हिट है, बहुत जाना माना है और इसमें आपको अल्लू अर्जुन जी की अलग ही एक्टिंग का स्किल्स दिखेंगे। तो मैं बोला बिल्कुल, हमें तो फाइटिंग का बहुत आया, बोले वो फाइटिंग है वो एकदम इमोशनल सीन है और मजा सीन आएगा, देखने में बहुत मजा आएगा। बिल्कुल देखते हैं, मजा आएगा बिल्कुल। और इसके डायरेक्टर की बात करें तो एक करुणा करण जिसके डायरेक्टर है, जिन्होंने थोली प्रेमा, हैप्पी, डार्लिंग जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई है, तो इसमें भी मजा आने वाला है। और ऊपर से मुझे ऐसा लगता है ये हैप्पी मूवी जो है ना वो ऐसी मूवी है इस काइंड ऑफ कि जो जब भी टीवी पे आती होगी ना तो सारे फैंस देखते होंगे, चाहे वो किसी के भी फैन होंगे, चाहे एनटीआर के फैन होंगे, चाहे प्रभास के फैन होंगे, पर वो जब भी ऐसे ये आती होगी हैप्पी मूवी, क्योंकि इतना लोग पसंद करते हैं सॉन्ग्स को और सब चीज को, तो जब भी टीवी पे आते होगी ना सब देखते होंगे। वही अभी देखते हैं क्लाइमेक्स में क्या है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। అంటే ఈ మగుడే బ్రోకర్ అన్నమాట, ఇంకొక మాట మాట్లాడితే ఏం చేస్తావు చెప్పు, ఏం చేస్తావు? నేనేం చేసిన డబ్బులు మాత్రం ఇచ్చే అలవాటు లేదు. तो ऐसा पकड़े कैसे गए? अल्लू अर्जुन से दूर जा रहे हैं। प्यार करते थे पर उनको मेरा नहीं वो प्यार ऐसा लग रहा है। Jackpot!
और मुझे लगता है कि उनको अल्लू अर्जुन को पहले से जानते थे पुलिस वाले, पर्सनली उनके हाथ निकालना चाहते थे। यहाँ से कम पैक होगी जैसे चढ़ने वाला सीन था। कहां से चालू किया, लाइक इतना हॉरर सीन, लाइक पहले तो समझ नहीं आया क्यों उनको लेके आया, फिर पता लगा उनको कहीं रेड में पकड़ा है क्या, वो मेरे ख्याल से कहीं खड़ी होगी तो शायद उनके साथ उनको ले गए या तो कोई पर्सनल वेंजेंस होगी डीसीपी की, तो उस वजह से शायद उनको पकड़ के ऐसे लेके आ गए। और उसके बाद डीसीपी क्या क्या करने लगा, इतना चीजें, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था डीसीपी को, मन कर रहा था कि मुक्के मार दो जाके जितना हो सके उतने मारो, और फिर अल्लू अर्जुन को कमी पूरी कर दी, तो मैं खुश हो गया यार। ऊपर से यार अल्लू अर्जुन की एक्टिंग के लिए तो मैं एक ही चीज करूंगा, ये करूंगा बस, लाइक लिटरली उन्होंने जो लास्ट वाले जो डायलॉग्स आए ना मनोज वाजपेयी के बाद में, वो तो ऐसा लग रहा है कि क्या किया यार उन्होंने, जिस तरीके से
वो उनका इमोशन देखना, वो ऐसे छाती पीट के मार की मधुमति मेरी वाइफ है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और जो उनकी वो एक होती है ना हाफना होता है जो रोते टाइम जो हाफता है उस चीज को, लाइक ऐसा लगता है एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये रियल लाइफ वो जी रहे हैं, वो सीन को जी लिया इन्होंने पूरा। और अल्लू अर्जुन के साथ साथ जेनेलिया की भी तारीफ करनी होगी, लाइक वो जैसे जेल के अंदर चीख रही थी चिल्ला रही थी कि मेरा हस्बैंड है ये, लाइक मेन वो सबसे अपने स्टार्टिंग से सोच रहे थे कि ये सीन को है ना लाइक वो कमबैक कैसे करेंगे, तो उन्होंने वही किया कि वो उन्होंने बोले मेरा हस्बैंड है, और उसके बाद उठ के जो उन्होंने धड़ामधड़ी किया जोरदार है। जाता था उनके बाप को उनके मतलब उसको, क्योंकि वो बार बार ये कहता अपने हस्बैंड और अपने फादर को बुला के लाओ, क्योंकि और उनको जैसे ही उनका फादर आया तो उनके फादर ने आते तमाचा मार दिया, तो उससे काफी चीजें पता लगती है कि हाँ इनको पता है उसके बारे में, और कुछ ना कुछ अंदर इनके चल रहा था पहले ही मूवी में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, और उसके बाद जो है डीसीपी अब अपना गुस्सा निकाल रहा था उनसे और अपनी कहना बोलते ना वेंजेंस कर रहा था, और उसके बाद जो अल्लू अर्जुन ने किया वो बहुत कमाल किया, मतलब एक ऐसी मतलब मैं वही कहना चाहूंगा कि जबरदस्त था, एक हॉरर भी था साथ में इमोशनल भी किया और साथ में प्यार भी आया और साथ में क्या कहते हैं मतलब कुछ एक्शन सीन भी था, सब कुछ था सीन के अंदर जोरदार क्लाइमेक्स, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेक्स सीन था। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए।